नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित प्रजापति, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, ट्रेडर एंड ट्रेनर, आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितने मिनट या घंटे का या दिनों का चार्ट फ्रेम देखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में एक मिनट से लेके आप मंथली ईयरली तक का चार्ट देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं, या फिर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, या स्विंग ट्रेडर हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको सबसे बड़ी बात होती है, सबसे पहले आप खुद जानिए आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, पेशेंस वाले ट्रेडर हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको मार्केट खुलने से पहले तो वन डे का चार्ट देखना होता है, ठीक है। उसके बाद आप जब भी ट्रेडिंग करें इंट्राडे में, तो आपको 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी होती है, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड टाइम है। अगर आप 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो आपको बहुत ही एडवांस और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अपनी ट्रेडिंग में। अब ये देखिए, जैसा कि मैंने आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पर ये देखिए HDFC बैंक लिमिटेड का स्टॉक लगा हुआ है, कितना क्लियर और क्रिस्टल आपको यहाँ पर क्लियरिफिकेशन दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, इस स्टॉक ने यहाँ पर एक रेंज बना दी, और रेंज बनाने के बाद जैसे ही स्टॉक ने रेंज को ब्रेक किया, तो 15-15 मिनट की कैंडल के साथ आप कितना अच्छा मूव देख सकते हैं। स्टॉक ने उसके बाद इस सपोर्ट को टच भी नहीं किया, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बना दिया, और उसके बाद स्टॉक ये ऊपर ही जाए जा रहा है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको 5 मिनट में भी देख सकते हैं, आपको बहुत ही क्लियर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर सिंपल सी बात यही है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो मार्केट खुलने से पहले आप एक बार वन डे का चार्ट देख सकते हैं, और उसके बाद आप 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट को देखकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों उसमें भी यही सिंपल सी टेक्निक है कि जब आप चार्ट की एनालिसिस करें, तो आप वनडे के चार्ट को देखकर चार्ट को एनालाइज करें, और उसके बाद जब भी आपको ट्रेड लेना होता है, तो आप या तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड लें, या फिर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड लें। यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर और क्रिस्टल वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये देखिए। जैसे कि जिस बंदे ने भी यहाँ पर बाइंग किया होगा 4 आवर के चार्ट में, तो यहाँ पर कितना क्लियर बाइंग बन रहा है, जो कि हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लाइन लगाया था। लेकिन अगर आप 4 आवर के चार्ट को देखते हैं, तो आपको बहुत ही क्लियर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि इस स्टॉक ने या फिर किसी इंडेक्स ने कहां पर अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाया है। ये हमने 4 आवर का चार्ट लगाया हुआ है, अगर यहाँ पर हम 1 आवर का चार्ट लगा देते हैं, आपको और क्लियर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आपने बाय किया, बाय करने के बाद ये 1460 से इसने एकदम से हाई बनाया, ये देखिए आप देख सकते हैं 1530 के आसपास का। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल से समझने वाली बात यही है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आपको सिर्फ मार्केट खुलने से पहले चार्ट देखना है वन डे का, और उसके बाद आपको ट्रेड लेना है 5 मिनट और 15 मिनट में। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो आपको चार्ट की एनालिसिस करनी है वनडे के चार्ट पर, और आपको ट्रेड लेना है सिर्फ और सिर्फ 4 आवर में या फिर 1 आवर में, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब मोहमाया है दोस्तों, आप 1 मिनट का चार्ट भी देख सकते हैं, 3 मिनट का भी देख सकते हैं, लेकिन आप उतने ही कन्फ्यूज होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, और आपने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगाया हुआ है, तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ आ रही हैं। लेकिन अगर आपने यही 1 मिनट का लगा लिया, तो यहाँ पर आपको यानी कि 15 जो मिनट की एक कैंडल बनी है, यहाँ पर आपको 15 कैंडल दिखेंगी एक एक मिनट की, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो अगर आप इजीली ट्रेड करना चाहते हैं, हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहना चाहते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो अपने सेटअप को, अपने चार्ट को जितना आप सिंपल रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर इसके रिगार्डिंग भी आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था डबल टॉप के बारे में, ये देखिए कितना क्लियर डबल टॉप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि डबल टॉप के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, और उसी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये क्लियरली इसको फॉलो कर रहा है, और आप यहाँ पर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते थे सेल करके। बाकी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।